सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मैं अपने घर में रेस्टोरेंट के जैसे खिले खिले चावल कैसे बनाती हूँ। मैं आपको हर एक टिप और ट्रिक के साथ स्टीम राइस बनाना सिखाऊंगी। चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है एक कप बासमती चावल, जिसे मैंने 2 से 3 पानी से धो लिया और आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा नमक। चलिए हम चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। एक सॉस पैन में मैंने 6 कप पानी लिया है। स्टीम राइस में पानी थोड़ा ज़्यादा डलता है। पानी उबलना शुरू हो गया है, अब मैं इसमें भिगोए हुए चावल डाल रही हूँ। मेरे चावल थोड़े हैं तो मैं सॉस पैन में बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बनाएं तो किसी भी बड़े बर्तन या पतीले में आप चावल बना सकते हैं। अभी फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा है। बोल में थोड़े से चावल लगे हुए हैं, उन्हें भी मैं हाथों से निकाल के सॉस पैन में डाल दूंगी। इस तरीके से चावल मैंने डाल दिए हैं। अब फ्लेम को कर दिया है मैंने हाई और इसे एक बॉयल आने तक पहले हमें पकने देना है। इसे हम अच्छे से चला लेंगे। चावल में बॉयल आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे हमें इसमें नमक डालना है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। नमक ऑप्शनल है, अगर आपको नमक वाले चावल नहीं पसंद है तो आप नमक को स्किप भी कर सकते हैं। पानी अब बॉयल होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे इसे चावल को पकने तक हमें बॉयल करवाना है। फ्लेम चाहे आप लो रखें या मीडियम हाई, लेकिन चावल इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से बॉयल होने चाहिए। अगर चावल बॉयल नहीं होंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आपकी फ्लेम बहुत ज्यादा लो है तो आप मीडियम हाई फ्लेम पे इस प्रोसेस को करें। इन चावल को बनने में तकरीबन 5 मिनट का समय लगता है। हम इसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि चावल पके हैं या नहीं। मेरे चावल थोड़े हैं इसीलिए मैं इसे सॉस पैन में बना रही हूँ, लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो आप इसे बड़े पतीले में बनाएं। चावल अच्छे से पानी में उबलने चाहिए, उन्हें स्पेस मिलना चाहिए, तभी वो अच्छे से पकेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, मैंने चेक किया है, चावल के दाने गल गए हैं। मैं इसे अब स्ट्रेन कर लूंगी। एक बोल के ऊपर मैंने इस तरीके से स्ट्रेनर रखा है और इसे छान रही हूँ। चावल को मैंने छान लिया है। अब तुरंत हम ये गर्म पानी को फेंक देंगे। गर्म पानी के ऊपर हम इस स्ट्रेनर को नहीं रखेंगे, नहीं तो चावल ओवर कुक हो जाएंगे क्योंकि उसमें से स्टीम निकल रही है। मैं खाली बोल के ऊपर इस तरीके से चावल को रख दूंगी, उन्हें थोड़ा सा फैला दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ चावल को मैंने कैसे चेक किया था स्ट्रेन करने से पहले। एक प्लेट के ऊपर आप इस तरीके से चावल के कुछ दाने निकालें और उसे हाथों से दबा के देखें। अगर वो बिल्कुल आसानी से मसल जाते हैं यानी कि मैश हो जाते हैं तो अच्छे से पके हैं, आप उसे उसी समय स्ट्रेन कर लें। लेकिन अगर आपको उसे मसलते वक्त सूजी जैसे मामूली दाने महसूस होते हैं तो आप उसे 1 मिनट के लिए और पका लें, फिर उसे छान लें। मेरे चावल अच्छे से पके हैं। 1 मिनट के लिए मैंने इसे खाली बोल पे रखा था जिससे कि इसमें जो एक्सेस वाटर था वो सब निकल गया। अब मैंने इसे एक बड़ी प्लेट में शिफ्ट कर दिया है और इसे फैला दिया है ताकि इसके दाने खिले हुए रहे। मैं इस पे घी का तड़का नहीं लगा रही क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको इसी चावल से तवा पुलाव और टोमेटो राइस बनाना सिखाऊंगी। लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही सर्व करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर घी का तड़का लगा के भी इसे सर्व कर सकते हैं। घी का तड़का लगाना ऑप्शनल है, अगर आपको घी पसंद है तो आप इस पे घी का तड़का लगाएं। सिंपली आप 2 चम्मच घी गर्म करें और उन्हें इस चावल के ऊपर डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें चावल को। आप देख सकते हैं मेरे चावल बिल्कुल खिले हुए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे, इनका एक एक दाना अलग है। स्टीम राइस बनाते वक्त कभी भी आप पानी की क्वांटिटी कम ना लें और चावल जिस भी बर्तन में बनाए उसमें चावल बिल्कुल अच्छे से हिल सके, उन्हें इतना स्पेस मिलना चाहिए, तभी वो अच्छे बनेंगे। इन बताई गई टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर आप भी स्टीम राइस बनाएंगे तो आपकी स्टीम राइस बहुत ही अच्छी बनेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।